आज मैथ के क्लास का एक वीडियो दे रहा हूँ, मैथ का वीडियो दे रहा हूँ जिसमें बट्टा पे आधारित, छूट पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं डिस्काउंट के तहत। तो एक्चुअली डिस्काउंट मिलता किस पे है, डिस्काउंट पे होता क्या है, तो मेन इस डिफिनेशन पे हम पहले डिस्कस करें। चलिए डिस्काउंट यानी छूट बट्टा देखिए, छूट या बट्टा भी एक प्रकार का हानि ही है, लॉस ही है, लेकिन फिर भी इन दोनों में फर्क है। एक्चुअली बट्टा या छूट दी जाती है किसी प्रिंटेड प्राइस पे, अंकित मूल्य पे, जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हैं और उसमें मार्क प्राइस लिखा हुआ है कितना रुपया, और उसमें कह दिया जाए कितना परसेंट छूट दे रहे हैं, तो वो छूट जो मिलती है मार्क प्राइस पे अंकित मूल्य पर। लेकिन जब हानि की बात होती है तो हानि या लाभ एक्चुअली लागत मूल्य, तो आप ये छोटे से डिफरेंशियल पे कमान रखेंगे ना, तो छूट के तहत वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी लागत मूल्य पे प्रॉफिट या लॉस होता है, लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, लागत मूल्य पर लाभ या हानि होती है। जबकि अंकित मूल्य पर, प्रिंटेड प्राइस पर, अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है या बट्टा दी जाए। तो छोटे से डिफरेंशन से आप इसका फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे 100 रुपया का प्रिंटेड प्राइस है और उस पर यदि 10% छूट हो गया तो 90 रुपया में मिल गया, फिर यदि 10% छूट हो गया तो 90 का 10% यानी 9, और तो 9 और छूट हो गया तो कितना में मिल गया, 81 में मिल गया। यानी सक्सेसिव के फॉर्म में दो या अधिक से छूट दे दी जाए तो सक्सेसिव के फॉर्म में क्रमागत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिससे आप सिंपली इस तरह से लिखिए अंकित मूल 21 में मेन फॉर्मूला है, इसके तहत आप सब सॉल्व कर सकते हैं। अंकित मूल गुणे देखिए कोई भी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, उसमें यदि एक छूट मिल गई तो 100 माइनस मानिए पहली छूट, पहला बट्टा या पहली छूट 200 कर दीजिए। इसी तरह से एक छूट के बदला 2, 10, 50 जितना भी हो जाए, तो इस तरह से एक सक्सेसिव का फॉर्म करते चल जाइए, गुना करके फिर गुणे 100 माइनस दूसरी छूट 200 गुणे, यही प्रोसेस आगे तक ले जा सकते हैं। और इसको इक्वलाइज करना है लागत मूल से, तो बराबर लागत मूल, अब यहां पर देखिए यदि लाभ है तो क्या करना है, 100 प्लस, तो लाभ के लिए 100 प्लस करना है, 100 प्लस लाभ 200। इसको फिर से लिख देते हैं, बराबर लागत मूल या कॉस्ट प्राइस गुणे 100 प्लस, लाभ है तो प्लस लिखना है, माइनस तब लिखना है जब हानि हो, कोई एक रहेगा, लाभ है तो प्लस साइन देना है और हानि है तो माइनस साइन देना है, 500। ये एक छोटा सा सिंपल फॉर्मूला है, तो 2 या 2 से अधिक बट्टा भी रहे तो आप इस नेचर से ऊपर वाला जो नेचर लिखे ना उससे आप ड्राइव कर सकते हैं। पिछले दिनों हमने एक वीडियो दिया था परसेंटेज पे, तो परसेंटेज में कहा था कि जो भी अपने आप में क्या है 100% है,
तो उसी को आधार मान के आप यहाँ भी सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस का भी दिया था, क्रय मूल्य क्या है अपने आप में 100% है, और प्रॉफिट के साथ यदि सेलिंग प्राइस कर रहे हैं तो 100+ प्रॉफिट करते हैं, लॉस के साथ होता है तो 100- होता है, सेम थीम है लिखा हुआ। प्रॉफिट के साथ है तो 100+ लिखना है, लॉस के साथ है तो 100- लिखना है। देखिए सच्चाई यही है कि कॉमर्शियल मैथ के तहत फॉर्मूला को ज़्यादा नहीं है, कहने को हर चैप्टर में आप ट्रिक्स से भर दीजिए, फार्मूला से भर दीजिए वगैरह वगैरह, लेकिन सच्चाई यही है कि जितने भी कॉमर्शियल मैथ हैं मैक्सिमम 25 फार्मूला, मेरे समझ से 25 भी काफी, और मेन और कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा तो वो फार्मूला भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप कोई भी चीज प्रिंटेड प्राइस मान लीजिए 100 रुपया है, 10% छूट हो गया तो 90 बटा फिर 100, तो 100-100 कट गया तो 90 रुपया मिल गया, फिर इसी तरह से यदि 10% हो गया तो 90 यहाँ तक आ गए, फिर 10% छूट दिए तो फिर 90/100, तो 90 का 90 से गुना करेंगे तो 81 रुपया में मिल गया। तो यही कंसेप्ट लेके चलते हैं, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य क्या रखे जाए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा यदि दो क्रमागत बट्टे %10 एवं %20 दी जाने के बाद या के बावजूद %20 का लाभ प्राप्त हो जबकि उस वस्तु का लागत मूल्य ₹1000 हो, ठीक है, लागत मूल्य ₹1000 है और दो क्रमागत बट्टा दिया हुआ है और उसका अंकित मूल्य पूछा गया है, जो अभी हम फार्मूला दिए ना उस पे आप सेट कर दीजिए, तो आप सॉल्यूशन इस तरह कर सकते हैं, अंकित मूल्य मान लीजिए मार्क प्राइस M मान लीजिए, M उसमें दो क्रमागत बट्टा 10%, तो पहले अपने आप में 100 है तो उसमें 10- कर दीजिए 100, फिर 20% क्रमागत है उसके बाद, फिर तो फिर एक वर्ड करते जाइए 100-20 - 100, ये तो छूट के बाद का हो गया कैलकुलेशन, लेकिन छूट देने के बावजूद भी क्या है 20% का लाभ है, इस पे लागत मूल्य क्या है ₹1000, उस पे 20% लाभ यानी 100+20% 120% ले रहे हैं यानी ₹1200 प्राप्त करता है। ये न कहने का मतलब ₹1000 के चीज को 20% लाभ पे बेच रहे हैं तो ₹1200 में बेच रहे हैं, और वो बेचने को 1200 में, लेकिन कहने को ये है कि जो मार्क प्राइस है उसमें हम दो डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो मार्क प्राइस क्या, तो सिंपल सा नॉर्म्स में आप पुट कर दीजिए। चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं,
एम गुणे 90/100 80/100 इक्वल टू 1000 गुणे 120/100। तो आप ऐसे काट दीजिए तो ये 1200 हो गया। ऐसे तो इस 100 से आप इस 100 को भी काट सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए 80 से ये दोनों का जीरो इससे काट दिए, तो इसलिए m का मान क्या हो गया, 100 गुणे 12 बटा 9 गुणे 8। अब शॉर्ट में आप कर लीजिए, काट दीजिए, 4 से यदि काटते हैं तो 4 3 12, 4 2 8 और 3 से इस 9 को काट दीजिए 3 बार, चलिए ये जो बटा में 100 था एक बचा हुआ इसको भी 100 यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन नहीं भी लिखे तो ऐसा कोई बात नहीं, बाद में भी 100 से गुणा कर लेते हैं। अब देखिए 2 से आप इसी 100 को काट दीजिए 50 बार, तो ओवरऑल क्या हो गया 5000/3 यानी 1600 16 48 2 0 6 6 18 फिर 2 0 फिर 6 2/3 रुपया यानी करीब 1666.66। इसको आप 1666.66 का रिकरिंग हो जाएगा 66 पैसा, मान लीजिए इतना रुपया के बराबर। तो वो सिंपल सा इस कंसेप्ट पे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी में 2 क्रमागत रहेगा तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, या फिर पिछले क्लास में पीछे वीडियो में परसेंटेज जो दिए थे 2 क्रमागत में आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 330 रुपया हो तो उसका लागत मूल्य क्या होगा, क्या होगा यदि 10% की छूट देने के बावजूद 10% की छूट देने के बावजूद देने पर भी 10% की लाभ अर्जित की जाए, लाभ अर्जित की जाए देखिए अलग किसी फार्मूला पे जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी थॉट पे अभी जो फार्मूला दिए हम लोगों ने उसी से आप सबको ड्राइव कर सकते हैं। देखिए अंकित मूल 330 रुपया है, तो अंकित मूल इसे लिख देना है, अंकित मूल गुणे 100 माइनस 10% की छूट है तो 100 माइनस 10/100
बराबर लागत मूल गुने 100 प्लस लाभ है तो प्लस लिखिए 10% 2200। आपने अंकित मूल दे रखा है 330 रुपया गुने 90/100 बराबर लागत मूल निकालना है आपको। गुणे 110/100 सॉल्व कर लीजिए। देखिए 100 से इस 100 से आप इन दोनों इधर वाले 100 को हटा दीजिए, इसी वे में हट गया। अब 110 से 330 को काट दीजिए, कितना बार में? तीन बार। ऊपर से ऊपर का फंक्शन कर सकते हैं, 110 को 330 में तीन बार काट दीजिए तो कितना हो गया? 9 × 27 270 रुपया हो गया। इसे लागत मूल हो गया 270 रुपया। ठीक है, कितना इजी है। क्लियर? आज इस छोटे से वीडियो में हमने दो क्वेश्चन एक चैप्टर का हल्का सा चैप्टर का ले लिए हैं, और फिर से आप सभी से मेरा निवेदन है या फिर आग्रह है या फिर आज्ञा भी कि काइंडली आप मेरे इस ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस के चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब। यदि आपने से कोई सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो व्यूअर्स तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाए, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि मैं जिस तरह से कई दिनों से वीडियो दे रहा हूं हर चैप्टर वाइज किसी खास टॉपिक्स पे, तो उसमें मुझे एक संतुष्टि मिले। और इसके साथ साथ मैं यूट्यूब चैनल पे शाम 7 बजे मंडे टू सैटरडे अल्टरनेट रीजनिंग और मैथ के क्लास दे रहा हूँ। आप में से जो नहीं जुड़े हैं काइंडली मंडे टू सैटरडे लाइव क्लास यूट्यूब के लाइव क्लास में आप कोशिश करें जुड़ने का। वो फ्री क्लास है, उसके लिए कोई आपका फीस नहीं है अभी तो नहीं है, और देखते हैं अभी तक तो नहीं सोच के चल रहे हैं। फ्री एक बैच लेंगे फिर बाद में देखा जाएगा, तो अच्छा है कि आप फ्री बैच में आप जुड़ जाइए, अदरवाइज ये मौका का फिर आपको फ़ायदा नहीं मिल पाए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी से फिर वही बात कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों में भी शेयर करें। थैंक यू।